हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो सबसे पहले व्हाइट बोर्ड में जो आपके सामने इतना सब कुछ लिखा हुआ है, ये देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ, जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सब कुछ साथ में इमेज बाय इमेज आपके सामने आता रहेगा। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो देखो, आपको सिंपल सा फंडा ये मैं यही मान के चलूंगा कि आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, वो समझकर मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तभी मज़ा आने वाला आपको भी और मुझे भी, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है जम्मू के बारे में। पहले हम जम्मू की बात करते हैं। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर को हम दो डिवीजन में बांटते हैं। एक हमारे पास जम्मू डिवीजन आता है, एक हमारे पास कश्मीर डिवीजन आता है। इतना फंडा आप सभी को क्लियर होगा। जम्मू की बात करेंगे, जम्मू डिवीजन में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। कश्मीर डिवीजन की बात करें, उसमें भी 10 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलती हैं। तो 10 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हैं, 10 वहाँ पर है। इतना फंडा भी क्लियर है। अब जो जम्मू डिवीजन की 10 डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे हम, सिर्फ आज उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम इसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, या आसपास क्या होता है, जैसे वैष्णो देवी कटरा हो गया या बाकी जो भी चीज़ें, उनको हम यहाँ पर रिलेट नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस जो रहने वाला है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट पर रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले मैप आप देख लो, मैप आपके सामने दिख रहा होगा। मैप में अगर हम बात करेंगे, आपको जम्मू देखने को मिल रहा होगा कि जम्मू कश्मीर के मैप में जम्मू आता कहाँ पर है। इतना फंडा आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आपके अपने मर्जी, आप श्रीनगर से जम्मू आ रहे हो तो आप अपना रूट देख सकते हो, श्रीनगर कहाँ पर है, जम्मू कहाँ पर है। या फिर आपको उधमपुर से जम्मू आना, आपको वो रूट दिख रहा होगा। आपको राजौरी से जम्मू आना, आपको दिख रहा होगा जम्मू कहाँ पर, राजौरी कहाँ पर है। इतना फंडा आपको क्लियर हो रहा होगा। और जम्मू के आसपास कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सब कुछ आपको मैप से क्लियर हो रहा होगा। हम बाकी जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो सारा हम यहाँ पे कवर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जम्मू की, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे, जो भी बात करेंगे। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, ऐसे सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। सिटी ऑफ टेम्पल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंपल सा फंडा यहाँ पर है कि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। इतने मंदिर हैं कि आप अगर घूमते रह जाओगे तो घूमते ही रह जाओगे। इतने सारे मंदिर आपको जम्मू में देखने को मिलेंगे, इसीलिए जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। इतना आप सभी को पता होगा, जम्मू के बारे में सुना होगा। जम्मू कश्मीर की दो कैपिटल्स हैं, एक है समर कैपिटल, एक है विंटर कैपिटल। तो विंटर कैपिटल कौन सी है, या विंटर कैपिटल हमारे पास जम्मू आ जाती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे, अगर विंटर कैपिटल कश्मीर कर देंगे, श्रीनगर कर देंगे, वहाँ पे ऑलरेडी सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे काम करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए विंटर कैपिटल कहाँ पर करी हुई है, विंटर कैपिटल हमारे जम्मू में है। इतना क्लियर होगा। पहले पहले दरबार मूव होता था पूरा पूरा, जैसे विंटर चेंज होती थी, जैसे विंटर आ गया तो सारा जो दरबार है वो श्रीनगर से जम्मू में आ जाएगा, सारे काम जम्मू में होंगे। बट अब वो ट्रेडिशन को खत्म कर दिया हुआ है, अब जो सारे काम है कश्मीर में रह के होंगे, एक तरफ जम्मू में रह के होंगे। हाँ, कुछ मूवमेंट होगी, पहले की तरह ज्यादा मूवमेंट नहीं होने वाली है, यानी कि दरबार मूव को कैंसिल कर दिया हुआ है। ये जो शिफ्टिंग थी ना, मूवमेंट थी, इसे दरबार मूव कहा जाता था, जो आज के टाइम पे बंद कर दिया हुआ है। तो जम्मू में विंटर कैपिटल है, कब से कब तक रहती है, नवंबर से अप्रैल तक जो कैपिटल है वो जम्मू में रहती है। इतना फंडा क्लियर हो रहा होगा। जम्मू की बात करेंगे, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जम्मू की बात करोगे वो तवी रिवर के किनारे बसा हुआ, तवी रिवर का एक नाम हो रहा है सूर्यपत्री। इतना फंडा इतना याद रख लो, आपके लिए इनफ रहने वाले। फिर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, इतना फंडा क्लियर होगा। जम्मू डिस्ट्रिक्ट कितनी हाइट में आता है, अगर हम सी लेवल की बात करेंगे, इतना तो क्लियर है ना कि हमारा जम्मू कश्मीर आता है टॉप में, अगर मैप में देखोगे। सिर्फ पर्टिकुलर जम्मू की बात करेंगे, जम्मू कितनी हाइट में आता है सी लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर मीटर की टर्म्स में बात करूंगा तो 300 से 400 मीटर ऊंचा, अगर सी लेवल ये है, इसे 300 से 400 मीटर ऊपर आओगे तो वो लेवल मिलता है जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, अगर हम बात करेंगे। और अगर फुट की टर्म्स में बात करेंगे तो सी लेवल से 1000 से लेकर 1300 फुट की जो है, इस इतने वेरिएशन में जम्मू सिटी आपको देखने को मिलती है जम्मू डिस्ट्रिक्ट की। मैं बात कर रहे हैं, इतना फंडा भी क्लियर हो रहा होगा। आगे हम यहाँ पे चलते हैं, लिटरेसी रेट पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट अगर किसी का है तो वो किसका है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का है, 90 के करीब पहुंच जाता है, ये 2011 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। रेल हेड जम्मू कश्मीर में रेलवे चलती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में रेलवे का हेड कौन सा है, रेल हेड कौन सा है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, जम्मू की बात करेंगे वो रेल हेड है जम्मू कश्मीर का। इतना फंडा क्लियर हो रहा होगा। अगर हम दिल्ली की बात करें, जो नेशनल कैपिटल है हमारे इंडिया की, कैपिटल दिल्ली है ना, अगर वहाँ से जम्मू के डिस्टेंस की बात करेंगे, अप्रॉक्सीमेट 600 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, अगर हम जम्मू से लेके दिल्ली तक के डिस्टेंस की बात करेंगे, वो सब कुछ लिख के रखा हुआ है। और अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वो कौन सी है,
वो भी जम्मू ही है, समझ गयो। हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी जम्मू में है, हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की बात करेंगे वो भी जम्मू में है। आगे चलते हैं और यहाँ पे बातें कर लेते हैं। यहाँ पे एक नेशनल एयरपोर्ट भी है। देखो अगर आप किसी दूसरे स्टेट में हो या फिर कहीं पर भी बिलोंग करते हो, अगर आपको जम्मू आना है बाई एयरपोर्ट, आप सतवारी एयरपोर्ट में एंट्री करोगे। किसी दूसरे नेशन, किसी दूसरे नेशन की बात करूँ मैं, किसी दूसरे स्टेट वगैरह यूटी में रहते हो आप एंट्री करोगे, तो नेशनल जो एयरपोर्ट हमारे जम्मू में कहाँ पर है वो सतवारी में है। तो यहाँ पर जो नेशनल एयरपोर्ट है वो सतवारी में है। उस नेशनल एयरपोर्ट का ऑफिशियल नाम क्या है? ऐसे यहाँ पर लोकली उसे सतवारी एयरपोर्ट के नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि सतवारी जगह है वहाँ पर वो एयरपोर्ट है। लेकिन तो सही नाम, ऑफिशियल नाम क्या है उसका? जम्मू सिविल कन्क्लेव की बात करेंगे। वो जो एयरपोर्ट है जम्मू में नेशनल एयरपोर्ट, उसका नाम है जम्मू सिविल एनक्लेव, और उसके कोड की बात करेंगे IXJ उसका कोड रहता है। इतना भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलेंगी उसके पीछे क्या लिखा होगा? JK02। अगर गाड़ी के पीछे JK02 लिखा हुआ है आपने समझ जाना है। JK से तो समझ आएगा जम्मू कश्मीर की गाड़ी है, लेकिन अगर 02 साथ में लिखा हो उसका मतलब क्या है? वो जम्मू कश्मीर के जम्मू डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी है। इतना फंडा भी क्लियर हो गया। यहाँ का व्हीकल नंबर क्या चलता है? रजिस्ट्रेशन नंबर JK02 चलता है। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। मतलब यहाँ पर जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर से बाहर चले जाएंगे तो मानना होता है, जो जम्मू कश्मीर विजिट नहीं करते हैं वो ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक ही है, समझ गए, ऐसा मान के चलते हैं। आपको, आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा, जो कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं, या बाहर के कुछ लोग आपको मिलते हैं वो ऐसी बातें करते होंगे क्लाइमेट के बारे में, बर्फ पड़ती है ये वो सब ऐसी बातें करते होंगे। उनके जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर है ना, तो जम्मू का क्लाइमेट कश्मीर का क्लाइमेट एक ही तरह का समझते हैं। तो उन्हें लगता है कि जम्मू, अगर सिटी की बात करेंगे, जम्मू सिटी का और कश्मीर के क्लाइमेट में कोई डिफरेंस नहीं, ऐसा उनका मानना होता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा जम्मू का जो क्लाइमेट है, हालांकि जम्मू कश्मीर वालों को तो पता ही है, तो वो थोड़ा सा अलग वैरी करता है, काफ़ी वैरी करता है कश्मीर के कंपैरिजन में बात करेंगे। तो जम्मू सिटी की अगर हम बात करेंगे, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, पंजाब की बात करेंगे, इनसे थोड़ा सा वैरी करता है हमारे यहाँ का टेम्परेचर वगैरह, है ना, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते अगर, बट साउथ के कंपैरिजन में कंपेयर करेंगे, केरला छत्तीसगढ़ वगैरह के कंपैरिजन में, या फिर अगर मिडिल इंडिया के कंपैरिजन में करेंगे, तो हमारा तो काफ़ी चेंज आता है क्लाइमेट वगैरह में। लेकिन अगर हम साउथ, अगर हम अपने दिल्ली वगैरह से कंपेयर करेंगे, तो उनके सेम ही रहता है, जितना जैसा हमको रहता है वैसे हमारा बिल्कुल माइनर से डिफरेंस वहाँ पर रहता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ पर रहता है। लू आपको पता है, टर्म यूज़ करी जाती है जब गर्मी में सूखी हवाएं चलती हैं, गर्म गर्म से हवा, उसके लिए उसको लू कहते हैं। वो हमारे जम्मू कश्मीर, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी चलती है लू वाली हवा। रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या है? जैसे आपको मैंने बताया सतवारी एयरपोर्ट था, उसका सही नाम क्या था? जम्मू सिविल एनक्लेव। वैसे हम रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन कौन सा है? जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है। शॉर्ट में अगर कहा जाए तो JAT इसका कोड रहता है। अगर आप टिकट वगैरह करवाते हो, आपने देखा होगा अगर फ्रॉम जम्मू यहाँ पर करवाते हो, तो जम्मू स्टेशन का कोड क्या आता होगा वहाँ पे? JAT, यानी कि जम्मू तवी उसका कोड रहता है। नाम है जम्मू तवी और कोड रहता है JAT। अगर हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? नॉर्थ इंडिया रेलवे कंपनी, क्योंकि यहाँ पर भाई ब्रिटिश को यूज क्या करते थे? नॉर्थ इंडिया रेलवे कंपनी, समझ गए। लेकिन अभी के टाइम पे इसका नाम क्या है? जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। पहले ये नाम हुआ करता था नॉर्थ इंडिया रेलवे कंपनी, ऐसे करके। तो ये जो जम्मू तवी का पुराना स्टेशन था ना, वो जैसे सियालकोट वगैरह पाकिस्तान वगैरह में जाया करता था वो वाला, तो उसको फिर बाद में चेंज कर दिया था 1971 तक, तो उसके बाद कोई वहाँ पे ट्रेन चली नहीं थी। फिर 72 में दोबारा से काम करना स्टार्ट करा था, और 75 तक जाके नया जो तवी का स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वो ओपन कर दिया था, और 2000 में फिर से उसमें काम करा गया था। और अब नया जो रेलवे स्टेशन है उसका सही काम जो 2000 से स्टार्ट हुआ था, 2000 की ईयर की हम बात कर रहे हैं। तो तीन प्लेटफॉर्म है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन की बात करें, और नॉर्दर्न रेलवेज के अंडर आता है। डिवीजन की बात करें, फिरोजपुर डिवीजन के अंदर हमारा जम्मू तवी का रेलवे स्टेशन आता है। इतना फंड आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्लियर हो रहा होगा। आपको बता दिया कि यहाँ पे एयरपोर्ट के बारे में बता दिया, रेलवे स्टेशन के बारे में बता दिया। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे हाईवे की बात करेंगे। देखो नेशनल हाईवे 44 की बात करेंगे, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी, नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करने का काम करता है। नेशनल हाईवे 44 की बात करें, वही जम्मू से श्रीनगर जा रहा है, तो इसको मतलब जम्मू और श्रीनगर को भी कनेक्ट करता है। पुराना नाम इसका NH1A हुआ करता था, बट अब नाम चेंज करते नेशनल हाईवे 44 के अंदर आ जाता है ये वाला। यहाँ के हमने रेलवे की बात कर ली, हमने यहाँ के एयरपोर्ट की बात कर ली। अगर बसेस की बात करेंगे, JKSRTC के अंदर यहाँ की बसेस चलती हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंदर यहाँ की बसेस चलती हैं, जिसकी स्थापना फाउंडेशन 1948 में हुई थी। आज़ाद जब देश इंडिया आज़ाद हुआ, तो उसके एक साल के बाद इसकी फाउंडेशन हो गई थी। अगर पर्टिकुलर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाए, तो मेजॉरिटी में रिलीजन कौन सा? हालांकि यहाँ पे हर धर्म के लोग देखने को मिलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन मेजॉरिटी अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, तो हिंदुज्म जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे मेजॉरिटी में देखने को मिलते हैं।
सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, 21 तहसील हैं, यहाँ पे 20 रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक हैं और साथ ही साथ सब डिविजन भी हैं, जैसे जम्मू नॉर्थ, जम्मू साउथ। अब आप अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो, आपने कमेंट करके बताना है कि आप जम्मू के कौन से सब डिविजन को बिलोंग करते हो, ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इतना काम आपको करना है। और एक काम को बताना चाहूंगा, अगर आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो, ये हम हर डिस्ट्रिक्ट में करने वाले हैं, जितने हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे ना हर एक में कवर करने वाले हैं। आपने क्या करना है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो, कोई भी एक ऐसी जगह जो आपको लगता है कि ये अनएक्सप्लोर्ड है, जम्मू की बेस्ट जगह है, इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। अगर कोई टूरिस्ट घूमने के लिए जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आता है तो उसे इस जगह पर विजिट करना चाहिए, चाहे वो जगह भी इतनी डेवलप नहीं है लेकिन वहाँ पे वो कुछ अगर शूटिंग करना चाहते हैं वो शूटिंग कर सकते हैं, समझ गए, फोटो शूट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर सकते हैं, एक तरह का पिकनिक मना सकते हैं। इस तरह की कोई जगह आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है तो आपने हमें क्या करना है, हमारा इंस्टाग्राम JKLatestInfo के नाम से है, वहाँ पर उसके बारे में छोटी सी अगर वीडियो बना सकते हो, इमेजेस के थ्रू बता सकते हो, अपने बताना है जो जगह हमें सबसे बेस्ट रहने वाली लगने वाली है। हम एक विनर सेलेक्ट करेंगे, उस विनर को हमारी तरफ से छोटा सा प्राइज मिलने वाला है, वो आपके जो भी घर तक हम वो प्राइज आपको पहुंचा देंगे। बस यही है कि वो हमें बेस्ट लगना चाहिए, आपसे भी जो भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो, ये आपने काम करना है। इतना फंडा क्लियर हो गया। और उसके बाद हमने एक विनर को सिलेक्ट करना है, लेकिन बाकी दो तीन विनर्स और हम वहां पे सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपने लोकेशन भेजी होगी, जैसे सीरीज खत्म होगी हम उन सभी अनएक्सप्लोर्ड साइट्स को दिखाने वाले जम्मू के, समझ गए। ऐसा हर एक डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है, तो सभी के सभी स्टूडेंट्स अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की वो जगह ढूंढ लो अगर प्राइस जीतना चाहते हो तो। आगे हम यहाँ पे चलते हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, यहाँ पे 13 बैंक हैं, सिर्फ 13 बैंक नहीं है, मतलब 13 तरह के बैंक, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इस तरह से 13 टाइप ऑफ बैंक यहाँ पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। 25 पुलिस स्टेशन आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे, 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बड़े बड़े कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, 4 लीगल इंस्टीट्यूशन हैं कि जैसे डिग्री कॉलेज, लॉ वगैरह वाले कॉलेजेस हो गए, 3 बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर, एक हाई कोर्ट भी हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। जम्मू के डीसी कौन है, अंशुल गर्ग यहाँ पे जम्मू के डीसी हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेना। और जो ये वीडियो बाद में देखने जाए 3-4 साल के बाद, ये मत बोलना कि अभी भी डीसी आपने गलत पढ़ा दिया, एक बार जो इस तरह का डाटा होता है ना, डीसी जम्मू के कौन है, ये सब कौन है, या फिर अभी 4-3 यूनिवर्सिटी से बाद में क्या पता कितनी बन जाएंगी, इस डाटा को एक बार अपडेट कर लेना, अपने अकॉर्डिंग सर्च कर लेना, इतना भी आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते इसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यहाँ का स्टेपल फूड क्या है, वीट यहाँ का स्टेपल फूड है, समझियो जो कहा जाता है। लेकिन आपको पता है आरएसपुरा के जो बासमती राइस है, यानी कि जो चावल है बासमती वाले, वो वर्ल्ड फेमस है, मतलब हमारे जम्मू कश्मीर में से दूसरे स्टेट में नहीं, वो कई बार फॉरेन कंट्रीज में भेज जाते हैं, यहाँ के बासमती राइस की बात करेंगे, इतने फेमस हैं यहाँ के। आरएसपुरा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है आरएसपुरा, वहाँ पे अगर बात करेंगे वहाँ के बासमती राइस की बात करें, वो वर्ल्ड फेमस है। शुगर कैन की बात करें, गन्ने की बात करेंगे, इसको अगर अपने उगाना तो उसके लिए टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर चाहिए, इसलिए अखनूर, कठुआ, आरएसपुरा ऐसी जगह में इसको उगाया जाता है, काफ़ी हाई अमाउंट में उगाया जाता, बट यहाँ के लोगों को और करा जा रहा है कि आप इसे यहाँ पे शुगर कैन की खेती वगैरह आपको करनी चाहिए, इस तरह से कई सारी स्कीम्स भी निकाली गई हैं। यहाँ पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, बॉटलिंग कंपनी है कहाँ पे, गंग्याल, जहाँ पे पेप्सी को कोला वगैरह इस तरह की बॉटल्स की फिलिंग करी जाती है, मतलब वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप कह सकते हो फिलिंग होती है बॉटल्स वगैरह में, बॉटलिंग कंपनी कहाँ पे, गंग्याल में है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड करके कंपनी है बड़ी ब्रह्मणा में, जहाँ पे टूथपेस्ट हो गए, सोप्स हो गए, शैम्पू वगैरह ये सब बनाए जाते हैं, वो कहाँ पे है, बड़ी ब्रह्मणा में है। हम कहाँ पे पहुँचते आगे, हाँ राइस मिल्स यहाँ पे आरएसपुरा में। तो अगर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करी जाए तो वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट का कहाँ पर देखने को मिलेगा, बड़ी ब्रह्मणा या गंग्याल बोलो, इस लोकेशन आपको यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलेगा, तो आप वहां पे जा सकते हो अगर विजिट करना चाहते हो तो। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करेंगे पोल्ट्री फार्म से, बिल्ली चराने की जगह है वहां पर, अगर आपको जम्मू के बारे में पता हो, आपको समझ आ रहा होगा इस लोकेशन के बारे में, तो यहाँ पे पोल्ट्री फार्म देखने को मिलेगा, हालांकि ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे बट वहां पर पोटेंशियल है, वहां पर देखने को मिलते भी हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे सिल्क फैक्ट्री थी पुरानी, हम यहाँ पे जम्मू की हिस्ट्री नहीं पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि वो अलग मैटर है, हम सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बारे में बेसिक आइडिया कवर करने जा रहे हैं। एक पुरानी सिख फैक्ट्री थी जो डोगरा एम्पायर के टाइम पे बनाई गई थी, अगर हम बात करेंगे वो पहले रामबाग में थी लेकिन वो बंद हो चुकी थी, अब उसे दोबारा से इस्टेब्लिश करा गया है, अब जो सिख फैक्ट्री है वो बड़ी ब्रह्मणा में बनाई जा रही है। क्लियर हो गया। जहाँ पे अगर शराब की बात करेंगे, वाइन की बात करें, कहाँ बनती है, आरएसपुरा में बिश्नोई जैसे एरिया में शराब बनाने का काम भी होता है, जहाँ की फैक्ट्री से शराब जाके तो आगे जाके दुकानों में जाके वो बेची जाती है वहाँ पे जाके, ठीक है। बी कीपिंग की बात करेंगे, शहद वगैरह का काम कहाँ पे होता है, बिश्नोई में होता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि बी कीपिंग सिर्फ बिश्नोई में ही है, आरएसपुरा में और भी कई सारे जो तहसील है जम्मू
फिल्मों की वहां पर भी होता है, लेकिन मेजोरिटी की बात करते हैं ज्यादातर कहां पे देखने को मिलते हैं, बिश्नावल एरिया में। वुल कॉम्बिंग इंडस्ट्री कहां पे है, जहां पे उसके ऊपर मतलब कारीगरी करी जाती है, वो बड़ी ब्रह्मणा में है। बिस्किट फैक्ट्री कहां पे, गंगियाल में है, क्लियर हो गया। स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री मेरा साहब में थी, हालांकि वो उस तरह की नहीं रही है, लेकिन हाँ तरपतन ऑयल की भी थी, वो भी उस तरह की नहीं रही है, बट वो वहां पर हुआ करती थी मेरे साहब वाले एरिया में। ये सब आपको पता होना चाहिए। जो ये वाला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री वाला, यहाँ से 4-5 साल पहले को एग्जाम में आया करता था, हालांकि अब तो बंद हो चुका है, अभी तक आता नहीं ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन। यहाँ की इरीगेशन की बात करें, खेतों को पानी वगैरह चाहिए, उस इरीगेशन की नहरें बनाई जाती हैं, तो कौन से कैनाल से यहाँ पे जम्मू में यूज करे जा रहे हैं। पहले बात करते हैं रणबीर सिंह कैनाल की, हालांकि चिनाब रिवर जो कि अखनूर में है उसकी लेफ्ट बैंक में, ये अगर हम बात करेंगे रणबीर सिंह कैनाल है, इसका ज्यादातर पानी जो है वो आरएसपुरा के द्वारा यूज करा जाता है, वहां के खेतों में यहां का पानी ज्यादातर यूज करा जाता है। किसकी हम बात कर रहे हैं, रणबीर सिंह कैनाल की बात कर रहे हैं, समझ गए। तो आरएसपुरा के जो खेत है वो कहां का पानी यूज करते हैं, रणबीर सिंह कैनाल का, जो भी चिनाबली साइड में, चिनाबली साइड की अगर हम बात करते हैं वहां पर है। दूसरा कैनाल चिनाब के लेफ्ट साइड में कौन सा है, रणबीर कैनाल, और चिनाब नदी के राइट बैंक में कौन सा है, प्रताप कैनाल। तो प्रताप कैनाल जो है वो अखनूर में है ना, तो अखनूर के ही 20,000 एकड़ एरिया को जो है वो पानी देने का काम करता है, कौन सा, प्रताप कैनाल। तो अखनूर भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। आगे बात करेंगे और एक रावी तवी इरिगेशन कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, ये मिलके भी जम्मू पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, वाटर सप्लाई का काम करता है, जो पूरे 1.5 लाख एकड़ एरिया को पानी देने का काम करता है, कौन सा, रावी तवी इरिगेशन कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, जिसमें रावी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे वो राइट बैंक में है, तवी रिवर के 76 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, और तवी कैनाल जो लेफ्ट बैंक में है उसकी 29 किलोमीटर की लेंथ है, इतना भी याद कर लेना। आगे चलते हैं, क्लियर हो रहा है सब कुछ, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, नहीं आ रहा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहा हूँ, जितना बता सकता हूँ मैं ट्राई करूंगा आज की इस वीडियो में बता दूँ। आगे चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पे बात कर लेते हैं, अब हम कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो इस तरह का डाटा आपको दिखाया ना ये हम फिर से शेयर कर लेंगे, ठीक है। पहले कुछ लोकेशंस के बारे में देख लेते हैं, जैसे सबसे पहले आप बात करें रघुनाथ टेम्पल की, तो रघुनाथ टेम्पल की बात करें, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई गई थी महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा, और जो खत्म हुआ था कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी, महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा। यानी कि रघुनाथ टेम्पल की बात करें ये गुलाब सिंह जी और रणबीर सिंह, महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा रणबीर सिंह की बात करें, इनके द्वारा बनाया गया था मिलकर। इसके बाद 350 मीटर इसकी हाइट रहती है, यानी कि अगर हम बात करेंगे फुट में तो लगभग 1150 फुट की हाइट है इसकी, रघुनाथ टेम्पल की अगर हम बात करेंगे। इसमें 7 बड़े बड़े श्राइन से, सबसे मेन कौन सी है, लॉर्ड राम की बात करेंगे, सबसे बड़ी श्राइन उनके यहाँ पर। 2002 की बात करेंगे, इस रघुनाथ मंदिर की बात करेंगे जो कि रघुनाथ बाजार में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप जैसे अगर रेलवे से आते हो जम्मू सिटी में, आप एंटर करते हो रेलवे स्टेशन के थ्रू तो भी पास में देखने को मिलेगा, अगर आप बस स्टैंड में आओगे तो बिल्कुल ही पास है, अगर आप बाई एयर आते हो एयरपोर्ट सतवारे में आते हो तो भी आपको पास देखने को मिलेगा, रघुनाथ बाजार में ही सिटी में ही है, ठीक है। तो वहाँ पर ये मंदिर है तभी रघुनाथ टेम्पल इसका नाम रखा हुआ है, रघुनाथ बाजार रघुनाथ वहीं पर रघुनाथ टेम्पल की बात करेंगे। यहाँ पे 2002 की बात करेंगे, 2 टेररिस्ट अटैक यहाँ पर हुए थे, क्लियर हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, फिर एक जो गेट हुआ करता था इसका तीसरा गेट वो बंद कर दिया था, लेकिन 2015 में जो रघुनाथ टेम्पल का तीसरा गेट है वो दोबारा से ओपन कर दिया था आम पब्लिक के लिए। साथ में अगर हम आगे बात करेंगे रणबीरेश्वर टेम्पल की बात करेंगे शिवजी का टेम्पल है, ये महाराजा रणबीर सिंह जी को द्वारा बनाया गया था। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शिव टेम्पल कौन सा है, हमारे जम्मू में है, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शिव टेम्पल कौन सा है, रणबीरेश्वर टेम्पल की बात करते हैं, ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा है, जिसमें सेंटर में शिवलिंग है ना वो 8 फुट ऊंचा है, ब्लैक मार्बल का बना हुआ है, क्लियर हो गया। ये कुछ लोकेशंस की बात करूं जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती हैं या टूरिस्ट डेस्टिनेशन के टॉपिक में इसको इंक्लूड कर सकते हो आप। आगे हम बात करते हैं पीरखो टेम्पल की, तो पीरखो टेम्पल ये भी शिवा टेम्पल आप कह सकते हो, सेक्रेट केव है, गुफा है, और उसे जामवंत केव भी कहा जाता है। हम किसी भी मंदिर की डेप्थ में स्टोरी नहीं पढ़े कि वो मंदिर की इतिहास क्या है, हिस्ट्री वगैरह क्या है, हम सिर्फ आपको लोकेशन के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पीरखो टेम्पल की बात करेंगे, आप इसके बारे में बता दिया, ये तवी रिवर के पास में है। पीरखो टेम्पल के बाद हम चलते हैं बाहू फोर्ट की बात करते हैं। बाहू फोर्ट भी जो है, अगर आप सभी ने जो जम्मू के रहने वाले आपको पता ही होगा, तवी की बात करें, तवी के बैंक में, तवी के लेफ्ट बैंक में आता है, राजा बाहुलोचन जी के द्वारा बनाया गया था, और उसके बाद डोगरा जो रूरल थे उन्होंने उसको रीबिल्ड करा था। और यहाँ पे बाहू फोर्ट की बात करेंगे, यहाँ पे मंदिर भी है, महाकाली मंदिर भी है, जैसे बाहुबली माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है, बहुत ही फेमस मंदिर है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, यहाँ पे हर साल अगर नवरात्रों की बात करें तो बाहू मेला भी ऑर्गेनाइज करा जाता है। और बाहू मंदिर में जाओगे, बाहुबली माता टेम्पल में जाओगे, तो मंकीज आपको देखने को मिलेंगे बाहर बहुत सारे, वो कौन से स्पीशीज है मंकीज की, रेसस मंकी की बात करेंगे, वो
वाली मुंगी आपको देखने को मिलेंगे। और बाबू फाट पूरे की बात करें, इसे हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा हुआ है और इसके पास कुछ देर पहले गंडोला भी ओपन कर दिया हुआ है, समझ के उसको पहला फेज ओपन करा था। पहले फेज में जो महामाया टेम्पल है और बाहू फोर्ट है, इसे कनेक्ट करने का काम कर, मतलब कनेक्ट करता है ये, जो गंडोला की बात करें, गंडोला राइड की बात करेंगे, इन दो जगह कनेक्ट करता है, ये टेम्पल और ये टेम्पल। अभी दूसरा फेज भी इसका जल्दी ओपन हो जाएगा, हालांकि अभी एक इंसिडेंट भी हो चुका था। अभी प्रेजेंट में बात करें कोविड की वजह से एक टाइम पे 3 से 4 लोगों को वहाँ पे अलाउ किया जाता है बैठने के लिए। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अगर हम बाहू फोर्ट की बात करें, यहाँ पे गार्डन भी है बागे बाहू के नाम से, जो मुगल तरीके से बनाया गया था। और यहाँ पे जो एक्वेरियम है, फिश शेप का एक्वेरियम है, इस एक्वेरियम की खासियत यह है कि सबसे बड़ा जो अंडरग्राउंड एक्वेरियम है, इंडिया का लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम है, वो यही है जो कि बाहू फोर्ट में आपको देखने को मिलता है, फिश शेप एक्वेरियम। यानी कि यहाँ के देखो, एक रणबीरेश्वर टेम्पल की बात करा, जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शिवा टेम्पल है वो यही है, और पूरे इंडिया का सबसे बड़ा जो अंडरग्राउंड एक्वेरियम है वो कौन सा है, वो ये वाला एक्वेरियम है जो बाहू फोर्ट की हम बात करते हैं वहां पर है। आगे हम बात करते हैं पंचतीर्थी की बात करते हैं, जो सबसे पुराना पार्ट है सिटी का वो कौन सा है, वो पंचतीर्थी ही है। अगर हम यहाँ पे बात करके इसे टेम्पल से क्लस्टर, जो 100 साल पुराने मंदिर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ के बड़े बड़े मंदिर, 5 बड़े बड़े ऐसे मंदिर जो एक साथ देखने को मिलते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंडर वहां पर आते हैं, इसलिए कहा जाता है कि पंचतीर्थ, तुम 5 जगह का तीर्थ कर सकते हो। तो पंचतीर्थ से नाम क्या पड़ गया था इसका, पंचतीर्थ इसका नाम पड़ गया था। उसी के साथ आसपास हम बात करें मुबारक मंडी की बात करते हैं, तो मुबारक मंडी जो राजा ध्रुव देव जी के द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पे बात करें जो महाराजा डोगरा डायनेस्टी, यहाँ पे जम्मू डायनेस्टी की बहुत फेमस डायनेस्टी थी, उससे जम्मू जो है एक तरह से इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुआ था। तो डोगरा डायनेस्टी के जो महाराजा हुआ करते थे वो 1925 तक यही मुबारक मंडी में रहा करते थे। 1925 के बाद क्या हुआ था, जो महाराजा हरि सिंह थे वो ये मुबारक मंडी को छोड़कर कहाँ चले गए थे, हरि निवास पैलेस में चले गए थे, समझ गए। तो मुबारक मंडी की बात करेंगे, आपको फेमस चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एक शीश महल और दूसरा पिंक हॉल। पिंक हॉल को भी हम समझ भी लेंगे। तो यहाँ पे हमने पंचतीर्थी के बारे में पढ़ा, मुबारक मंडी के बारे में पढ़ा। मुबारक मंडी के बाद हम आते हैं यहाँ पे डोगरा आर्ट म्यूजियम की बात करते हैं, जिसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, डोगरा आर्ट गैलरीज का पुराना नाम हुआ करता था। ये कहाँ पर है, अभी आपको पिंक हॉल बताया ना, तो पिंक हॉल में इसकी लोकेशन है, लगभग 800 के करीब यहाँ पे पेंटिंग है, बहुत फेमस पेंटिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पर गोल्ड से पेंट किया हुआ एक तीर कमान भी है, जो कहा जाता है कि मुगल एम्पायर शाहजहां की बात करेंगे उनका ये तीर कमान था, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हरि निवास पैलेस की बात करेंगे, जो आपको बताया कि हमने कहा आपको यहाँ पे कुछ देर पहले महाराजा हरि सिंह बाद में यहाँ पर जो है वो ये मुबारक मंडी को छोड़ के हरि निवास पैलेस में चले गए थे। इस हरि निवास पैलेस की बात करेंगे तो 1990 की बात करेंगे, यहाँ पे इसे हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो पहले तो ये महाराजा हरि सिंह जब लाइफ के जो लास्ट टाइम उन्होंने जम्मू में रुके थे वो इसी पैलेस में रुके थे, बाद में 90s की बात करेंगे इसे हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया था। और यहाँ पे अमर महल पैलेस की बात करें, लाइब्रेरी की बात करें, तो यहाँ पे हरि सिंह का एक गोल्ड का थ्रोन भी है, जो आज भी वहाँ पे देखने को मिलता है, लोग वहाँ पे विजिट करते जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए इसे। इसी तरह से पंचपीर की बात करेंगे, ये एक दरगाह है, पंचपीर मतलब 5 सेंट से नाम बड़ा हुआ, ये वाला पंचपीर एक दरगाह है जो इस पैलेस के आसपास से देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम बात करते हैं सुचेतगढ़ की, सुचेतगढ़ की बात करें, ये आरसपुरा का जो बॉर्डर एरिया आता है सुचेतगढ़, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये टूरिस्ट प्लेसेस में क्यों आता है, क्योंकि देखो ये एक ऐसा बॉर्डर एरिया है जहाँ से अगर पाकिस्तान के सियालकोट की बात करेंगे वो सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है। अगर आप वहाँ पे चले जाओगे इस बॉर्डर पे, हालांकि आपको अलाउ किया जाता है वहाँ पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो गेट तक आप जा सकते हो, थोड़ा अंदर भी जा सकते हो। वहाँ पर एक पेड़ है जिसका आधा पोर्शन जो पाकिस्तान में है, आधा पोर्शन इंडिया में है, आप इंडिया के पोर्शन तक वहाँ पर जा सकते हो। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर फोटोग्राफी अलाउड है, बाहर जाके आप वहाँ पर कर सकते हो। तो सुचेतगढ़ की बात करेंगे, अगर आप उस जगह पे चले जाओगे, आरएसपुर से कुछ दूरी पर पड़ता है ये वाला, तो वहाँ से सियालकोट सिर्फ 11 किलोमीटर है, और लाहौर की बात करेंगे वो 141 किलोमीटर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इंडिया से जो पाकिस्तान, हालांकि पहले एक ही हिस्सा था ना, जो ट्रेन जाया करती थी ना, तो वो जो हम बोलते जम्मू से सियालकोट जा रही थी वो इसी रास्ते से होकर जाया करती थी। मतलब अगर हम बात करेंगे ये अपना, अगर हम बात करेंगे जैसे सतवारी से आगे की तरफ बात करेंगे, सतवारी से आगे मीरन साहिब को क्रॉस करते हुए आरएसपुर से होते हुए ट्रेन जो है यहाँ पे पाकिस्तान में जाया थी। तो ये रूट हुआ करता था पहले ट्रेन का, जो जिस रूट से ट्रेन वहां पे जाया करती थी ना, वो ब्रिज आज भी यहां पर हमें देखने को मिलेंगे जम्मू सिटी में। हालांकि वो ब्रिजेस की अगर हम बात करें जो जम्मू सिटी में देखने को मिलेंगे, उनको तो कुछ को एक दो को तोड़ दिया गया था, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि इनको भी हम एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन यूज करने जा रहे हैं, वहां पर भी इस तरह की साइट्स बनाए जाएंगे, उनका काम चल ही रहा है। क्लियर हो गया। सुचेतगढ़ की एक खासियत और क्या है, जब यहाँ पर हमने बात की, यहाँ पे रिट्रीट सेरेमनी भी स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ की जो ऑक्टोरी पोस्ट है यहाँ पे बात करें, अभी कुछ देर पहले रिट्रीट सेरेमनी करवाई भी गई थी, जैसे वाघा बॉर्डर पे होती थी ना, टाडे वाघा बॉर्डर की बात करेंगे उसी तरह की रिट्रीट सेरेमनी यहाँ पर भी करवाई गई। बस सिंपल सा फंडा यहाँ पे था कि पाकिस्तान साइड से नहीं आ रहे थे, यहाँ पे इंडियन साइड से जा रहे थे,
टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काम करा गया और कहा गया था कि हम हफ्ते में दो बार रिट्रीट सेरेमनी किया करेंगे उस स्टाइल में जैसे वहां पर करी जाती है। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे बहुत अच्छी जगह बन चुके हैं। जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे उसके जो गर्म टूरिज्म की बात करेंगे उसको बेनिफिट मिलने वाला है। जब आप सुचेतगढ़ जाते हो वहाँ पे टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट वहाँ पे सुचेतगढ़ जाते हो तो पास में घराना वेटलैंड भी देखने को मिलता है। घराना वेटलैंड में हालांकि अब कम स्पीशीज बर्ड्स की आती हैं लेकिन कहा जाता है कि 170 स्पीशीज वहाँ पे बर्ड्स देखने को मिलते थे। यानी कि बर्ड्स जो हैं वो विंटर सीजन के टाइम पे बाहर से जो पक्षी वगैरह हैं वो आकर तो यहाँ पे एंट्री करते हैं, यहाँ पे कुछ मंथ यहाँ पे घराना वेटलैंड में रुकते हैं। तो घराना वेटलैंड अगर आप सर्दियों में जाओगे आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, अलग अलग तरह के पक्षी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। घराना वेटलैंड की हम बात करते हैं, ये हो गया। इस तरह से इसके बीच में कई सारी और भी लोकेशन है, जैसे अगर आप इसी रूट पे जा रहे हो, मतलब आप यहाँ पे आरएसपुरा सुचेतगढ़ की तरफ जा रहे हो, बीच में कई सारी लोकेशन आपको और देखने को, जैसे अभी वहाँ पे जम्मू कश्मीर का सेकंड सबसे बड़ा गार्डन जो था वो वहीं पर था। हालांकि पीछे बाढ़ आई थी, बाढ़ आने के बाद वो पूरा का पूरा गार्डन बह गया था, समझ गए हो। वो जो गार्डन था वो उसी रूट पर बनाया था जैसे रेलवे लाइन निकला करती थी, उसी के आसपास का रूट था वो वाला, लेकिन वो पूरा बह गया था। अब उसके पास एक अलग से पार्क बना दी हुई है। तो इस तरह से कई सारी लोकेशन और बीच में आती है जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता। मैंने आपको तभी कहा है जो भी अनएक्सप्लोर्ड साइट्स हैं जो आपको पता है आपके एरिया के आसपास कहीं पर आती हैं तो आपने हमें उनके बारे में बताना है ताकि हम सबको उनके बारे में बता सकें। क्लियर हो गया, आगे यहाँ पे चलते हैं। हमने ये कवर कर लिया। फिर पंचवक्ता टेम्पल की बात करें, इसे रुपया वाला मंदिर भी कहा जाता है, ये भी उस एरिया में रघुनाथ बाजार के आसपास के एरिया में पड़ता है। आगे पीर मिठा की बात करेंगे, यहाँ पे एक टाइम पर सैयद कुतुब आलम जी की बात करेंगे, ये राजा अजय देव की बात करेंगे, कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे, वहाँ पे विजिट करा था इन्होंने, तो बड़ा इनको मतलब शुगर वगैरह मीठा खाना पसंद था तभी लोगों ने पीर मिठा नाम डाल दिया, तो उस जगह का नाम ही पीर मिठा है। वहाँ पे पीर मिठा का टॉम्ब आपको देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे, पीर बुरान अली शाह साहिब की बात करेंगे, सतवारी के आसपास ये है। आपने पीर बाबा सुना होगा, अगर सुना होगा तो पीर बाबा के नाम से फेमस है, सतवारी एयरपोर्ट के थोड़े से बैक साइड में देखने को मिलता है ये वाला भी, तो ये भी फेमस है यहाँ पे, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। जामा मस्जिद की बात करेंगे, सबसे बड़ी मस्जिद जम्मू में कौन सी है, वो जामा मस्जिद ही है। अगर इसकी बात करें रघुनाथ बाजार के आसपास देखने को मिलते हैं, तो जम्मू कश्मीर में इस तरह से कई सारी मस्जिद और भी हैं, मैं सभी के नाम यहाँ पर नहीं लिख रहा। अब जो आपको मंदिर बताएं सिर्फ इतने ही मंदिर नहीं, कई सारे मंदिर और भी जो मैं अभी स्किप कर लिए, वरना अगर मंदिरों की लिस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा वहाँ पर, ठीक है। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट सारे हैं, बट जो बिल्कुल ज्यादा फेमस है मैंने आपको वो बताया अभी। आगे बात करें गुरुद्वारा, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा शायद स्क्रीन पे नीचे, लेकिन मैं आपको बोलते जा रहा हूँ स्क्रीन में आपको सब कुछ दिख जाएगा, दिखता जाएगा, आपको टेंशन लेनी है। गुरुद्वारा सुंदर सिंह की बात करेंगे, ये भी रघुनाथ बाजार में 166 ईयर ओल्ड है, एस सुंदर सिंह खुरानी जी के द्वारा बनाया गया था। गुरुद्वारा नानक नगर की बात करेंगे तो एक बहुत बड़े गुरुद्वारों में से एक है गुरुद्वारा जम्मू में जो नानक नगर में देखने को मिलता है। आगे बात करें कैथेड्रल गैरिसन चर्च की बात करेंगे, जो अगर आप गांधीनगर कॉलेज के आसपास के एरिया में जाओगे आपको चर्च देखने को मिलते हैं, वही चर्च है जिसकी एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे 1986 में बनाया गया था चर्च को, और इसको डेडिकेट करा गया था हिपोलाइटस कुनाकल को, जो उस टाइम बाइशप थे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, जम्मू जम्मू कश्मीर के, उनको डेडिकेट करी गई थी ये चर्च। इस तरह से कई सारी चर्चेस और भी हैं, मैं सभी के नाम नहीं लिख रहा यहाँ पर। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, पर्टिकुलर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक रिंग रोड का एक प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। इस रिंग रोड के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपने आपको हालांकि अगर जम्मू में आपने विजिट करा तो आपने देखा होगा वहाँ पे अखनूर के साइड में या पर्टिकुलर कई सारी और लोकेशन वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो उस ट्रैफिक को कम करने के लिए रिंग रोड का प्रोजेक्ट है। बाहर बाहर गाड़ी सारी निकल जाएंगी, सिटी के अंदर गाड़ियों ने एंट्री नहीं करनी है, तो ये रिंग रोड का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। कई सारे फेजेस के कंप्लीट भी हो चुके हैं और फेजेस अब इसके कंप्लीट होने, तो इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे 4 लेन के ग्रीन हाईवेज वहाँ पे बनने जा रहे हैं। उसकी फाउंडेशन स्टोन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ 2018 में रखा गया था, 2023 करोड़ का लगभग इसमें खर्च आने वाला है, और इस रिंग रोड की लेंथ की बात करेंगे 58.25 किलोमीटर की इसकी लेंथ रहेगी। इसमें बड़े बड़े 2 टनल आएंगे, 8 बड़े बड़े ब्रिज आएंगे, 6 फ्लाईओवर आएंगे, और भी बहुत कुछ है, बट मैं मेजर आपको बता रहा हूँ इसमें क्या क्या रहने वाला है। इसी के साथ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पे एक स्टेडियम भी आता है जिसे एमएस स्टेडियम के नाम से कहा जाता है, मौलाना आजाद स्टेडियम इसका नाम है। 1966 में एस्टैब्लिशमेंट करी गई थी। 19 दिसंबर 1988 को यहाँ पे एक इंटरनेशनल मैच भी हुआ था, ओडीआई मैच। एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या था, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में इंटरनेशनल मैच होना था, लेकिन बारिश के कारण वो मैच कैंसिल हो गया था। लेकिन क्या इस ग्राउंड की बात करेंगे, एमएस स्टेडियम की बात करेंगे, यहाँ पे कोई इंटरनेशनल मैच हुआ ही नहीं है, ये तो अबेंडन हो गया बारिश की वजह से। लेकिन अगर हम बात करेंगे, फिर से इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक मैच हुआ था 24 मार्च को, लेकिन वो वुमेन टीम का हुआ था, मेंस का नहीं हुआ था, वो वुमेन टीम का हुआ था, वहां पे इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया था। इसका मतलब यहां पर इंटरनेशनल मैच भी हो चुका है और एक मैच जो बारिश के कारण रोक दिया गया था। क्लियर हो गया। इसी एमएस स्टेडियम की बात करेंगे, हुआ क्या था 1995 में, यहां पे 3 बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए थे,
जब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे गवर्नर की बात करेंगे, केवी कृष्ण राव जब गवर्नर थे यहाँ पे, रिपब्लिक डे की परेड यहीं पर होती है, जो जब वो परेड में थे वहाँ पे सैल्यूट की तैयारी कर रहे थे, उसी टाइम पर वहाँ पे ब्लास्ट हुए थे जहाँ पर कई लोगों की डेथ भी हो चुकी थी और कई लोग इंजर्ड भी हुए थे। तो हालांकि ये सारा एमएस स्टेडियम से रिलेट करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी तवी रिवर के आसपास के एरिया में पड़ता है, यहाँ पे कॉलेजेस वगैरह भी उसके आसपास के एरिया में पड़ता है, एमएस स्टेडियम की बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, अभी हाल में वुमेन कॉलेज गांधीनगर की बात करेंगे, गांधीनगर में वुमेन कॉलेज है, उसका नाम चेंज कर दिया, उसका नाम चेंज कर यहाँ पे पद्मा सचदेव नाम रख दिया गया, डॉक्टर पद्मा सचदेव। आपको पता है मॉडर्न वुमेन पोएट्री डोगरी लैंग्वेज की हाल ही में कुछ देर पहले उनकी डेथ हुई है, अगस्त 2021 में उनकी डेथ हुई थी, तो उन्हीं के नाम पर, क्योंकि अभी कहा गया था कुछ देर पहले के 76 इंस्टीट्यूशंस जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हमने उनके नाम की रीनेमिंग करनी है, नाम चेंज करने, तो जो वुमेन कॉलेज गांधीनगर है उसका नाम चेंज करके तो क्या रख दिया था, सच में पद्मा सचदेव कॉलेज के नाम रख दिया। आपको इनके बारे में पढ़ाया भी था कि ये मॉडर्न पोएट है डोगरी लैंग्वेज की, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे और कुछ प्लेसेस की बात करते हैं, मांडा जू भी यहां पर देखे, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, वहां पर भी विजिट कर सकते हैं, सिद्धड़ा गोल्फ कोर्स है, हालांकि सिद्धड़ा की लोकेशन की बात करेंगे, जब आप वहां पर विजिट करना चाहते हो तो उसके रास्ते में पार्क वगैरह भी आती है, ऑसम व्यू वहां का, लोकेशन अच्छी है, हालांकि उस रूट पर हम जा भी चुके थे, फनी वीडियोस के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर वीडियोस को देख भी सकते हो, उस पूरी लोकेशन का आपको समझ आ जाएगा। आगे बात करेंगे पे नेमिंग की बात करेंगे, यहाँ पे सिटी चौक की बात करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाया था क्या, हाँ ठीक है, आरएसपुरा के बारे में, यहाँ पे सिटी चौक की बात करेंगे, सिटी चौक हुआ करती थी, आप सभी को उसके बारे में पता होगा, नहीं भी पता होगा जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले वो नाम याद रखना, सिटी चौक का नाम चेंज कर दिया था, अब नया नाम क्या रखा है उसका, भारत माता चौक उसका नाम रख दिया था, ठीक है। तो आपसे कई बार पूछते ना कि इस सिटी का नाम चेंज कर दिया है, नया नाम क्या रखा हुआ है, तो जो पहले सिटी चौक हुआ करती थी उसका नाम चेंज कर दिया, नाम नया क्या रखा था उसका, भारत माता चौक उसका रखा गया था, उसी तरह से एक नाम और चेंज करा गया था, यहाँ पे अटल चौक रखा गया था, अटल चौक इसका नाम था, अगर सर्कुलर रोड की बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट है पंचतीर्थी वाले साइड में, उसका नाम अटल चौक यहाँ पे रख दिया था। बाकी परमंडल जैसे साइड्स हैं वहाँ पर विजिट कर सकते हो, और विजिट करना चाहते हो, यहाँ पे सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज कौन सी, डोगरी लैंग्वेज यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर बोली जाती है। आगे यहाँ पर हम और बात कर लेंगे, जम्मू स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है, जिसके अंदर यहाँ पे कहा जाता है मेट्रो आएगी, मेट्रो आने के साथ यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग जो सिस्टम है जम्मू बस स्टैंड में, आपने देखा वहाँ पे काम भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, वो सारा जम्मू स्मार्ट सिटी के अंदर चल रहा है, लाइटिंग प्रॉपर वे में होगी, उसके बाद रिवर फ्रंट कम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जम्मू तवी के जो रिवर है वहाँ पे एक तरह से मतलब छोटी सी लेक टाइप की बनाया जाएगा, उसको पूरी तरह से तैयार कर जाएगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम मॉडर्न रहने वाला है, ये सब कुछ जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर चल रहा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी कहा जाता है भाई अगर खाने पीने की बात करेंगे तो ऐसी स्टडी करेगी जिसमें बताया गया है कि हालांकि जम्मू कश्मीर जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करते हो, जम्मू सिटी में एंट्री करते हो, यहाँ पे मोस्टली लोग क्या खाते हैं, स्टडी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, राजमा चावल यहाँ पे ज़्यादा खाया जाएगा, कुलचा कलारी कुलचा हो गया, या फिर अम्बल हो गया, चॉकलेट बर्फी हो गया, दम आलू, ये जम्मू सिटी में ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ें स्टडी के अकॉर्डिंग कहा गया। हालांकि यहाँ पे खाते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन अगर मैं स्टडी की बात करेंगे तो स्टडी के अकॉर्डिंग ये देखा जाएगा, समझ गए हो। अब यहाँ पर क्या है, हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे फिर से, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ ये सब कुछ है, हमारे यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं, जैसे अगर हमने हड़प्पा के बारे में आप सभी ने सुना होगा, सिंधु नदी सिंधु घाटी परियोजना के बारे में सुना होगा आपने, जो पहले पहले यहाँ पे एक्सकेवेशन करी जाती थी वहाँ पे, हम उसी हड़प्पा की बात करेंगे यहाँ पर, तो वहाँ पे मांडा जगह अखनूर की बात करेंगे, वहाँ पे एक जगह है मांडा, आपने उसके बारे में पढ़ा भी होगा, इंडस वैली का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आता है वो मांडा ही आता है ना, तो मांडा में भी जब खुदाई करी गई थी काफी टाइम पहले, तो वहाँ पे भी कई सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिली थी, उसके बाद उसे ASI के एरिया के अंडर वहाँ पे कर दिया था। तो अगर हम जैसे मांडा की बात करें कि 1976-1977 के करीब करीब जो है उसकी एक्सकवेशन करी गई थी, जहाँ पे कई सारी डिशेज मिली थी, वहाँ पे बैंगल्स देखने को मिली थी, मतलब हड्डियों के बने हुए तीर कमान वहाँ पे देखने को मिले थे, समझ गए हो। तो JP जोशी जी के द्वारा वहाँ पे उसकी एक्सकवेशन करी गई थी, इतना भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो मांडा तो आपको समझ आएगा एक साइट है, उसी तरह से अखनूर फोर्ट की बात करेंगे तो अखनूर फोर्ट के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, यह भी अगर चिनाब नदी की बात करेंगे चिनाब नदी के एक तरफ देखने को मिलता है, यह भी हड़प्पा एरिया के कई सारे साइट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो अखनूर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके आर्किटेक्ट कौन थे, उस्ताद बै कश्मीरी के नाम से उन्हें जाना जाता है, समझ क्यों। तो यहाँ पे भी जैसे ना कई सारे जैसे मटके वगैरह टाइप की चीजें आपको देखने को मिलती जब खुदाई करी गई थी। एक जगह और है अंबारन, अंबारन को पंबारन के नाम से भी जाना जाता है, इसे कहा जाता है पहले पहले ये जो है वो कैपिटल हुआ करती थी अखनूर की।
ये भी चिनाब के एक साइड में देखने को मिलता है। यहाँ पे कई सारे कॉइन्स देखने को मिले थे। उसी के साथ साथ यहाँ पे बुद्धिस्ट जो रिलीजन था उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, कुछ जैसे बोलते ना वहाँ पे कि बुद्धिस्ट जैसे कुछ मुनाक वगैरह फिर जो भी मोनेस्ट्री वगैरह वो देखने को मिले थे, तो इसलिए बुद्धिज्म से भी रिलेट करता है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। एक गोल्ड का बना हुआ कैस्केट भी वहाँ पे देखा गया है। ये सारी कुछ साइट्स हैं जो ASI के अंडर आती है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंडर आती हैं। तो ये जो हमने आज तक भी सब कुछ पढ़ा है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर पढ़ा है। अभी हालांकि कई सारी चीज़ें और जो मैं डिस्कस करना चाहता था, आगे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, जो हो चुके हैं जो होने वाले हैं वो काफ़ी लंबी और वीडियो बन जाएगी। फिलहाल हमने क्या करना है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में अच्छे से कवर करना है। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगेंगी हम सभी वीडियो का एक एक पार्ट और कवर कर लेंगे। फिलहाल आपने कमेंट सेक्शन में बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हम नेक्स्ट वीडियो को और बेहतर तरीके से बनाने का ट्राई करेंगे, तो आपके कमेंट हमारे लिए ज़रूरी हैं। बाकी प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई हैं, जैसे जम्मू की हिस्ट्री की बात करेंगे, हमने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है, स्पेशल जम्मू की हिस्ट्री का भी एक पार्ट हमने वहां पे कवर करा हुआ है, तो वो वीडियो देख लेना। अगर आपको अच्छा लगेगा हम और भी वीडियोस अपलोड लाते रहेंगे। बाकी थैंक यू, जय हिंद।